और इसी बीच एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी, गोंडा में बृजभूषण शरण ने वोट डाला के गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं? देखिए, कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत होगी? बाईफाल मारेंगे और क्या है, बाईफाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी, बाईफाल बाईफाल चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान, वोटिंग का निशान। हाँ, ये वोटिंग। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिंपल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के 80 सीट जिताओ और संविधान बचाओ, यानी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, अपनी बात रखने का उन्हें हक है। ठीक है। तो सुना आपने, अभी अभी बृजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, और आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, और पूरी तरह से जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त है। उनका कहना है कि अभी जो वो विवादों में रखे, जो आरोप उन पर लगे, उसके बाद उनके वोट और भी ज्यादा बढ़ेंगे। उनका कहना है कि कैसरगंज में लोगों के बीच एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है बृजभूषण शरण सिंह। ये बड़ी बात उन्होंने अभी कही है और अभी अभी आपने उन्हें सुना। तो बीजेपी ने अब करण भूषण को क्योंकि टिकट दिया है, बृजभूषण शरण के बेटे को, तो वो चुनावी मैदान में है, तो उसे लेकर भी वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आए बृजभूषण शरण सिंह। तो कैसरगंज में मतदान जारी है, बीजेपी ने करण भूषण को टिकट दिया है यहां से, और आपको ये भी बता दें कि एसपी ने भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो ये आमने सामने रहने वाले हैं, भगत राम मिश्रा करण भूषण के सामने। तो ऐसे में चुनावी मैदान में ये दोनों नेता दिखाई देंगे। तो कैसरगंज में भी मतदान जारी है, जैसा कि हमने आपको बताया, अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन पहले कौशाम्बी चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। सर्वेश, जरा दिखाइए वहां की तस्वीर, मतदान केंद्र पर किस तरह से उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं, क्या कोई फर्क दिख रहा है? पहले हमने देखा कि जो तीन चरण हुए, चार चरण हुए, उन चारों चरणों में कुछ कम उत्साहित मतदाता दिखाई दिया, इस बार क्या कुछ फर्क दिखा है सर्वेश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गर्मी के बावजूद तमाम मतदाता घरों से निकल रहे हैं, सुबह से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से मैं इसी मतदान केंद्र पर हूं, ये चिल्ला शाहबाजी का मतदान केंद्र है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के सांसद विनोद सोनकर का भी यहीं पर वोट पड़ना है, भाग संख्या 209 में। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं जो कि लाइनों में लगे थे और उन्होंने वोट कास्ट किया। भाई साहब, अपनी फिंगर दिखाइए कि किस तरह से मतदान करके आए हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस सीट पर और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया है? हमने विनोद सोनकर को दिए हैं। क्या मुद्दा है, विकास हुआ है यहाँ पर? विकास बहुत हुआ है जी। आप यहाँ पर युवा हैं, आपने भी मतदान कर दिया है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम भी विनोद सोनकर को दिए हैं, बहुत विकास हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसी सरकार चुनी जाए जिससे देश का विकास हो? अरे कुछ आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है, गर्मी के बावजूद आप लोग आए हैं, पहले जो है आपने मतदान किया फिर दूसरा काम करने जा रहे हैं जी? यानी हम लोगों का तो मुद्दा यही है कि हमारे विनोद सोनकर हमेशा रहे, अच्छी बात है क्योंकि हमारा विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये बताइए दादा, आपने भी मतदान कर दिया है, फिंगर दिखाइए, मतदान कर दिया है आपने, स्याही लगी है ये, किस मुद्दे पर वोट दिया है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, कोई समस्या है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है, किसी योजना का लाभ मिला आपको?
हम लोग जी पढ़े लिखे तो हम नहीं है ना, कोई चीज के हान लाभ के लिए कुछ जानी ना कुछ ना। वोट तो किया है ना आपको, अधिकार मिला है, वोट किया है। हाँ वोट तो दिया।